अभी गवाह हूं। इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर, मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है जी। मैंने उनको भी यहां सुना हुआ है सर, मैंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। मेरे साथ जो जाती हुई स्पीकर साहब ये है कि अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था, मैं जनाब को राज का एजेंट हूं, मुसाद का एजेंट हूं, मुल्क दुश्मन अनासिर हूं, मैं अवाम के वोट लेके यहां पहुंचा हूं, अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया है अल्लाह के शुक्र से। मैं बतौर मैं आपको सर गिले के अंदाज में ये जाति की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूं सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की, ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मेरे से जब स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, रागा रफीउल्ला साहब और न्याजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए। मैं फौरी तौर पर उनके पास गया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत का माजरत खाऊं जी। मुझे ख्वाजा साहब ने कल कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है, ये स्पीकर ने ये किया है। मैं जनाब स्पीकर मेरा और आपका तलक रहा है, पुराना रहा है जनाब स्पीकर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता रहा। और ये जनाब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया, पॉइंट आ गया, खोले माइक। अपोजिशन को सर गिरफ्तार करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लीडर ऑफ द अपोजिशन के सर क्या किया गया है सर जी? हाँ, हमें जो एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है और इस पूरे हाउस का लीडर ऑफ द, मैं उसको सर गिरफ्तार करने के लिए कहां कहां से पुलिस आई है सर? हम खान को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा जेल में जो इस्तकबाल करते हैं डकैत और चोरों की तरह, मैं खान को मिलने के लिए गया, मुझे सर 1 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। जानवर इकट्ठे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पंजाब असम्बली में भी जाने का इतफाक़ हो और यहाँ पे भी मेरे किसी एक लफ्ज़ भी कभी एक्सपांच नहीं हुआ। जो मेरे साथ ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई है, मैं चशमदीद गवाह हूँ यहाँ पे इस 99 अल्लाह के नामों के नीचे, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यहाँ अल्फाज कहे गए, यहाँ जो गालम गलूच की गई, यहाँ फौज के बारे में जो लताड़ा गया फौज को, मैं उस चीज़ का भी गवाह हूँ। इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर, मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी लोगों को सुना है, वहां से उठकर यहाँ हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। मेरे साथ जो जाती हुई स्पीकर साहब ये है कि अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था, मैं जनाब को राज का एजेंट हूं, मुसाद का एजेंट हूं, मुल्क दुश्मन अनासिर हूं, मैं अवाम के वोट लेके यहां पहुंचा हूं, अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया है अल्लाह के शुक्र से। मैं बतौर मैं आपको सर गिले के अंदाज में ये जाति की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूं सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की, ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मेरे से जब ये स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, रागा रफीउल्ला साहब और न्याजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए। मैं फौरी तौर पर उनके पास गया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत का माजरत खाऊं जी। मुझे ख्वाजा साहब ने कल कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है, ये स्पीकर ने ये किया है। मैं जनाब स्पीकर मेरा और आपका तलक रहा है, पुराना रहा है जनाब स्पीकर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता रहा। और ये जनाब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया, आ गया, आ गया पॉइंट आ गया, खोले माइक। पोजीशन को सर गिरफ्तार करने के लिए
आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लीडर ऑफ द अपोजिशन के सर क्या क्या किया है सर? जी हाँ, हमें जो एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है और इस पूरे हाउस का लीडर ऑफ द, मैं उसको सर गिरफ्तार करने के लिए कहाँ कहाँ से पुलिस आई है सर? हम खान को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा जेल में जो इस्तकबाल करते हैं डकैत और चोरों की तरह, मैं खान को मिलने के लिए गया, मुझे सर 1 किलोमीटर दूर उतार दिया गया, मुझे 6 दफा उन्होंने चेक किया, मैंने कहा यार मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम के वोट के लेकर आया हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ जी खोलें जा रहा हूँ। दूसरा सर, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा मैंडेट छीन के खसूस। थैंक यू।